से सबको सत श्री अकाल, मैं सेल्फ गैवी चहल और आप सबका धन्यवाद कि आप मेरी फिल्म टाइगर जिंदा है को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मेरे किरदार कैप्टन अब्रार को जितना प्यार आपने एक था टाइगर में दिया उससे ज़्यादा दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं हर एक ने। प्रूफ ये है कि इंडिया के सिनेमा हिस्ट्री में आज तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन टाइगर जिंदा है ने किया है और उसके लिए पूरी ऑडियंस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है मेरे पिछले कैरेक्टर कैप्टन अब्रार को। और जो एक झंडे वाला फ्लैग है जो इस फिल्म में एक मैसेज है पीस का भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को, वो चीज़ जो दर्शाई है दैट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग और उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। सलमान कैटरीना के साथ आपकी दूसरी फिल्म जी, तो पहली फिल्म की जो केमिस्ट्री का फ़ायदा यहाँ पे कितना मिला आपको? या बहुत ज़्यादा क्योंकि उनके साथ काम करना हर किसी का एक सपना होता है और मेरे लिए ये सपना दूसरी बार सच हुआ है। और जो हमारे रिलेशंस थे पहली फिल्म में उससे ज़्यादा ऑब्वियस है कि आप जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे आपके वो रिलेशंस बढ़ते जाते हैं। और बाकी आई वांट टू थैंक टू सलमान कैटरीना क्योंकि उन्होंने ऑन द स्क्रीन एंड ऑफ द स्क्रीन दोनों तरफ बहुत ज़्यादा मदद की। काफ़ी लंबे स्केड्यूल थे, हमने आई थिंक हमारा लास्ट जो एक स्केड्यूल था 52 डेज़ का था, तो सलमान भाई उन्होंने मतलब पोस्ट द शूट ही यूजुअली टेक अस टू द जिम, गेम्स खिलाते थे ताकि हम फिज़िकल भी उतने ही फिट रह सके। बाकी ड्यूरिंग द सीन ही ऑलवेज हेल्प, कहीं पे भी कोई इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है या कहीं पे उनको कोई पॉइंट लगा कि ही कैन डू दिस मोर बेटर तो ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। तो ये सब चीज़ें जो उनकी इंसानियत में हमारे रिश्तों में सामने आई तो वो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म की काफ़ी शूटिंग हाँ वो वाकई बहुत एक दिल को दुखी करने वाली चीज़ होती है, दिल को दहला देने वाली चीज़ होती है कि ये तो चलो हम फिल्म में शूट कर रहे थे लेकिन ये असलियत में ये चीज़ होती है, क्यों होती है, क्यों हम एक दूसरे से इतना ज़्यादा नफरत या कोई अपने मन में गिले शिकवे हैं, तो क्यों नहीं इन सब चीज़ों को भुला के हम प्यार से रहते ताकि ये पूरा वर्ल्ड पूरी दुनिया एक बहुत खूबसूरत दुनिया बन जाए। सो बहुत दिल उदास हुआ ये सब चीज़ें देख के ऑन द सेट, तो इसीलिए मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहें जो हमारी फिल्म का मैसेज भी है। अच्छा, इस फिल्म में आपने पाकिस्तानी और पाकिस्तानी झंडे को जो है आपने बहुत रिस्पेक्ट किया है जी, टेक्निकली यू आर इंडियन जी, पाकिस्तानी झंडे को थामना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा जी? बहुत अच्छा, क्योंकि ये मैं यही बोलूँगा कि अली अब्बास ज़फ़र जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ उस सीन को दर्शाया, क्योंकि एक दूसरी एक रॉ एजेंट या एक आईएसआई एजेंट जो कि मैंने प्ले किया है, जब वो एक हिंदुस्तानी झंडा फहराता है, एक पाकिस्तानी बंदा जब एक झंडा अपना हिंदुस्तानी झंडा फहराएगा तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो इस फिल्म में अली सर ने जितनी खूबसूरती के सारे ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आप उसमें सब चीज़ें ये बॉर्डर जो है या सब चीज़ भुला के हम सिर्फ एक चीज़ को अहमियत दें जो है इंसानियत, और जब इंसानियत होती है तो वो ये नहीं देखती कि ये मेरे देश का झंडा है या उसके देश का झंडा है, तो उसका उसके देश के प्रति उतना सम्मान होता है, जो कि किरदार निभाते हुए मेरे लिए उतने ही सम्मान की बात है कि मैं एक दूसरे देश का झंडा फहरा रहा हूँ। फिल्म का लास्ट सीन देखने लगा कि टाइगर सिंह की थर्ड फिल्म भी आने की बहुत संभावना है। यस यस, ऑफकोर्स आई थिंक जितना लोगों का प्यार मिला है, इट्स अ फ्रेंचाइज नाउ, हर कोई टाइगर को दोबारा देखना चाहता है और मुझे 100% यकीन है कि ये फिल्म दोबारा इसका तीसरा चौथा पांचवा रहती उम्र तक इसके सीक्वल्स बनते जाएंगे।